हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम न्यू इंग्लिश वर्ड्स एज वेल एज सेंटेंसेस, बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. देन जो स्टोरी मैंने चूज की है वो माता अनुसुआ की है. मेनी पीपल माइट हैव हर्ड अबाउट हर इन रामायणा. तो लेट्स गो इनटू द स्टोरी बिकॉज द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू आर गोइंग टू लव इट. माता अनुसुआ वॉज वाइफ ऑफ सेज नेम्ड आत्री. माता अनुसुआ जो थी वो एक ऋषि जिनका नाम आत्री था उनकी बीवी थी. तो सेज को हिंदी में क्या बोला जाता है? ऋषि. She lived with her husband in a small hermitage. Hermitage मतलब आश्रम. She was a pious woman. Pious मतलब होता है पवित्र. वह बहुत पवित्र थी. Who always practiced austerity, penance. Austerity and penance means तपस्या and devotion means भक्ति. तो बहुत ही वो ज़्यादा पवित्र थी और हमेशा तपस्या और भक्ति में लीन रहती थी. She is described as having miraculous power. ऐसा कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारियाँ शक्ति थी. तो इस स्लाइड से हमने कुछ वर्ड सीखे हैं. हर्मिटेज का मतलब है आश्रम, पायस का मतलब है पवित्र, ऑस्टेरिटी एंड पेनेंस का मतलब है तपस्या, एंड डिवोशन का मतलब है भक्ति, एंड मिराकुलस मतलब चमत्कारी. She had unbroken loyalty to her husband. उनकी जो loyalty थी वो इतनी ज़्यादा strong थी कि उनको कोई भी नहीं तोड़ सकता था. तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? Unbroken loyalty. Her intensity of sattva was so great that due to it devas going through the skyway felt her majesty. तो उनकी जो सत्वा थी, सत्वा मीन्स जो उनकी जो loyalty थी अपने पति को लेकर, वो इतनी गहरी थी. गहरी मतलब intensity. वो इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि जो देवास आकाश मार्ग से गुजरते थे वो भी उनकी महिमा को पहचान पाते थे. तो यहाँ पे हमने इंग्लिश के क्या क्या वर्ड सीखे? इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्र, एंड स्काईवे को आप हिंदी में कहते हैं आकाश मार्ग, मतलब आकाश मार्ग को कहा जाता है स्काईवे. तो और महिमा मैंने एक वर्ड लिया, मैजेस्टी का मतलब होता है महिमा. उनकी महिमा इतनी स्ट्रांग थी कि उनको फील किया जा सकता था. इस रीज़न से उनको क्या बुलाते थे? सती अनुसुआ बुलाया जाता था उनको. उसी तरफ लक्ष्मी जी, सती जी एंड सरस्वती जी, इन तीनों को हम त्रिदेवियाँ भी बोलते हैं. उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, अपनी लॉयलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था. तो गॉड इंस्पायर्ड नारद जी, उन भगवान जी ने नारद जी को बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो तीन देवियाँ हैं उनके घमंड को तोड़ा जाए. प्राइड मीन्स होता है घमंड. देव ऋषि नारद जी रीच्ड कैलाश. तो नारद जी कैलाश पर्वत गए. हम सबको पता है कि कैलाश पर्वत में माता पार्वती और शंकर जी रहते थे. तो पार्वती जी वॉज वर्शिपिंग. वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना. पार्वती जी पूजा कर रही थी. शी ऑफर नारद जी प्रसादा. तो उन्होंने क्या करा कि नारद जी को प्रसाद ऑफर किया. नारद जी ने कहा कि लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं. ही फर्दर टोल्ड दैट. फर्दर टोल्ड मतलब उन्होंने आगे कहा. बट लड्डूस ऑफर्ड बाय अनुसुआ वर टेस्टियर. उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जो लड्डूस माता अनुसुआ ने मेरे को दिए थे वो ज़्यादा टेस्टी हैं. तो पार्वती जी आस्ट हु शी इज़. उन्होंने बोला ये कौन है? तो नारद जी ने उनको बताया कि आप जो हैं वो अपने पति को लेकर लॉयल तो हैं, लेकिन जो अनुसुआ माता है वो ज़्यादा लॉयल हैं. ऑन द अदर साइड नारद जी रीच्ड वैकुंठा. वैकुंठा कौन सी जगह थी? वो निवास स्थान था विष्णु जी का, जहाँ पे विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ रहते थे. अबॉर्ड मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे कोई रहता है, एक तरफ से ड्वेलिंग. तो लक्ष्मी जी आस्क्ड हिम अबाउट हिज हैप्पीनेस. तो नारद जी बहुत खुशी खुशी गए थे. तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आपकी खुशी का क्या राज है, आप इतना क्यों खुश हैं? तो नारद जी ने बोला कि इस बार ना मैं चित्रकूट गया था. दिस टाइम ही वॉकड टू चित्रकूट. वॉक टू मतलब क्या होता है? जाना, कहीं जाना. तो मैं चित्रकूट गया था. देयर ही रीच्ड द आश्रम ऑफ महर्षि आत्री. बिकॉज ऑफ दैट ही इज हैप्पी. तो उन्होंने बोला कि इस बार ना मैं चित्रकूट गया था, वहां पे मैं महर्षि आत्री के आश्रम में पहुंचा, तो मैं इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हूं. उन्होंने आगे कहा ही फर्दर सेड. फर्दर सेड मतलब भी क्या होता है? आगे कहा. उन्होंने आगे कहा अर्लियर देयर वॉज ग्लोरी ऑफ वैकुंठा, बट नाउ डेज इट इज अनुसुआस आश्रम. उन्होंने कहा कि पहले तो सिर्फ वैकुंठा की ही महिमा थी, हर जगह ग्लोरी थी, लेकिन आजकल तो अनुसुआ माता के आश्रम की है. तो लक्ष्मी जी पूछने लगे कि अनुसुआ माता के बारे में कि कौन है, क्या है. तो नारद जी ने उनको बताया कि शी इज़ ग्रेट वर्चुअस. वर्चुअस मीन्स बहुत ज़्यादा वह धार्मिक हैं और लॉयल वाइफ हैं. ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी भी थोड़ा सा जेलस हो गई, एनवी हो गई. तो लक्ष्मी जी ऑल्सो आस्क्ड विष्णु जी टू ब्रीच द लॉयल्टी ऑफ अनुसुआ माता. तो लक्ष्मी जी ने भी विष्णु जी से बोला कि मैं भी चाहती हूँ कि आप अनुसुआ माता जी की लॉयल्टी को ब्रीच करें, भंग करके दिखाएं. लाइक वाइज सावित्री जी ऑल्सो रिक्वेस्टेड ब्रह्मा जी. यहाँ पे सावित्री नहीं है, यहाँ पे सरस्वती माता है. सॉरी, मुझसे गलती हो गई. तो लाइक वाइज होता है वैसे ही सरस्वती माता ने भी ब्रह्मा जी से कहा कि मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ. देन शंकर जी, विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी, इनको हम सबको पता है इनको त्रिदेव भी बोला जाता है. तो दे इन डिस्गाइज्ड फॉर्म. डिस्गाइज्ड फॉर्म मतलब होता है भेस बदलना, ठीक है. वह भेस बदलकर चित्रकूट पहुंचे और अनुसुआ माता के आश्रम में गए. उन्होंने ऋषियों के रूप में अपना भेष बदल लिया. दे आस्क्ड हर फॉर आल्म्स. आल्म्स मतलब होता है भिक्षा. उन्होंने भिक्षा के लिए उनसे कहा. वैन सती अनुसुआ गेव आल्म्स. जब अनुसुआ माता ने भिक्षा देने चाही तो उन्होंने मना कर दिया. दे रिफ्यूज. रिफ्यूज मतलब होता है मना करना. उन्होंने मना कर दिया लेने से. उन्होंने कहा, दे सेड, देवी ओनली इफ़ यू डू अवर हॉस्पिटैलिटी विदाउट क्लोथ्स वी विल टेक आर्म्स फ्रॉम यू. हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार, एंड आर्म्स मतलब तो मैंने आपको बताया ही, इसका मतलब होता है भिक्षा. तो जब सती माता ने उनको भिक्षा देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देवी आपका अतिथि सत्कार हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप बिना कपड़ों के करेंगी, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे.
हियरिंग दिस मतलब यह सुनकर अनुसुआ फेल इंटू कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स चिंतन, विचार। ऐसा सुनकर माता जो अनुसुआ थी वो चिंतन में पड़ गई, विचार में पड़ गई। उन्होंने सोचा, शी थॉट, इफ शी गिव्स आर्म्स विदाउट क्लोथ्स, अगर वो जो भिक्षा है वो बिना कपड़ों के देती हैं तो उनकी जो लॉयल्टी है अपने हस्बैंड के प्रति वो है खराब हो जाएगी। डैमेज मतलब होता है खराब हो जाना। एंड इफ शी डिड नॉट गिव आर्म्स, अगर वो नहीं देती हैं भिक्षा एक गेस्ट को, तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। पाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिन। तो वह सोचती हैं, शी थॉट अलमाइटी सेस, मतलब जो सर्व शक्तिमान ईश्वर जो है वो कहते हैं कि मुझे ऑफर करो बिना इच्छाओं के और बिना लालसा के। डिज़ायर्स मीन्स होता है इच्छा और लॉन्गिंग्स मतलब होता है लालसा। तो उनके पास कुछ पावर्स थी, मैंने बताया था मिराकुलस पावर्स थी, तो उन पावर्स के थ्रू उन्होंने रिकोगनाइज़ कर लिया था कि ये जो तीन ऋषि आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो त्रिदेव हैं। तो वो क्या करती हैं, वो शी स्प्रिंकल्ड होली वाटर ओवर त्रिदेव and converted all three to 6 months old children। उन्होंने बहुत ही समझदारी से उन्होंने क्या किया, उनके पास आपको सबको पता है होली वाटर हुआ करता था जिसे वह आशीर्वाद देते थे छिड़क कर, तो छिड़कने को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्रिंकल, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, स्प्रिंकल कर दिया होली वाटर को त्रिदेवों के ऊपर और उनको 6-6 महीने के बच्चों में कन्वर्ट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, सती अनुसुआ ब्रेस्ट फेड देम। ब्रेस्ट फेड मतलब होता है स्तनपान, दूध पिलाया। ये हमारी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेस्ट फीड, यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म है क्योंकि उन्होंने पिलाया, हम पास की बात कर रहे हैं तो ब्रेस्ट फेड का यूज़ किया गया है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, शी पुट टू प्ले इन द क्रेडल। क्रेडल मतलब होता है पालना, उन्होंने पालने में उनको रख दिया और खेलने के लिए मतलब उनको रख दिया। इन दिस वे त्रिदेव बिकेम प्रिजनर ऑफ लव ऑफ माता अनुसुआ, इनसे वे प्यार के बंदी बन गए। उसी तरफ व्हेन द थ्री लेडीज सॉ दैट देयर हस्बैंड हैज़ डू नॉट कम, दे वर वरिड। जब इतनी देर हो गई, जब उनके हस्बैंड्स नहीं आए, तो त्रिदेवियाँ बहुत ज़्यादा वरिड हो गई, बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई। इंसिडेंटली मतलब होता है संयोग से, दे मेट नारद जी, तो नारद जी उनसे मिले, तो त्रिदेवियाँ जो थी उन्होंने उनके हस्बैंड्स की लोकेशन के बारे में पूछा कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो नारद जी ने बताया, नारद जी सेड दैट दोज पीपल आर प्लेइंग एज चिल्ड्रन इन द आश्रम, उन्होंने बताया कि वह एक बच्चों के रूप में आश्रम में खेल रहे हैं। फिर आखिरकार फाइनली ऑल द थ्री वेंट टू चित्रकूट टू फाइंड देयर हस्बैंड, जो त्री देवियाँ थी वह चित्रकूट पहुँच गई अपने पतियों को ढूंढने के लिए। द थ्री गॉडेसेस आस्क्ड अनुसुआ माता टू एंटर द आश्रम, जो त्री देवियाँ थी अनुसुआ माता जी से उन्होंने परमिशन ली कि हम क्या आश्रम में आ जाएं, फिर वो आश्रम में पहुँच गई। बाय द टाइम आत्री ऋषि अराइव देयर, उस टाइम क्या हुआ था, बाय द टाइम मतलब जब तक आत्री जो ऋषि थे वो भी आ चुके थे। तो आत्री ऋषि आस्क्ड हु आर दीज चिल्ड्रन एंड लेडीज, तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चे कौन है, ये लेडीज़ कौन है। तो ऋषि आस्क्ड अनुसुआ टू कन्वर्ट देम टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, उन सबको फिर क्या हुआ, अनुसुआ माता जी ने ऋषि को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो ऋषि ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, इनको अपने उनके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हियरिंग दिस मतलब ऐसा सुनकर माता अनुसुआ स्प्रिंकल्ड मतलब बताया था छिड़कना, माता अनुसुआ स्प्रिंकल्ड होली वाटर ऑन देम, उन्होंने क्या करा, होली वाटर जो है उन पर छिड़क दिया। इससे द चिल्ड्रन टुक द ओरिजिनल फॉर्म, इससे जो है वो बच्चों से त्रिदेवों में कन्वर्ट हो गए। त्रिदेव टोल्ड दैट दे वर वेरी हैप्पी टू प्ले एज चिल्ड्रन इन देयर कोर्टयार्ड, उन्होंने बोला, त्रिदेवों ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा खुश हुए आपके आंगन में खेलकर। तो कोर्टयार्ड को का मतलब क्या होता है, आंगन, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, आंगन आंगन, ओके। तो एज त्रिदेव वर प्लीज्ड, तो ये था प्लीज मतलब होना, प्रसन्न होना, तो त्रिदेव जो थे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा प्लीज हुए, तो उन्होंने क्या करा, दे गेव बून टू सती अनुसुआ, बून मतलब होता है वरदान देना। अब क्या वरदान दिया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप यू लाइक दिस स्टोरी एंड जो ये मैंने ट्राई किया है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।